हेलो गाइस, वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस एंड मैं हूं विकेश कुमार। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन पार्ट टू। तो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था मोशन पार्ट वन में, वो पॉइंट्स है मान लो व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द रेस्ट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्लियर। लेकिन मोशन पार्ट टू में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन चार तथ्यों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जो पहला पॉइंट है इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मोशन, व्हाट इज द इनफॉर्म मोशन, इनफॉर्म मोशन होता क्या है। ठीक है, समझते हैं इनफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इनफॉर्म मोशन बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्म मोशन। क्लियर है। एग्जांपल पे आते हैं, देखते हैं कोई एथलीट से मान लेते हैं कि 2 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, कोई एथलीट से 5 मीटर ट्रेवल करता है इन 2 सेकेंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 मीटर ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में। अगर इस तरह का कोई मोशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरी पॉइंट है नॉन इनफॉर्म मोशन। तो नॉन इनफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम डिफिनेशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वो नॉन इनफॉर्म मोशन होगा। जैसे समझ लेते हैं कि कोई रनर है, ठीक है, पहला 2 सेकेंड में जो है 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन दूसरा 2 सेकेंड में वो 7 मीटर ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, हो सकता है तीसरा 2 सेकेंड में जो थर्ड 2 सेकेंड आया उसमें 4 मीटर ही ट्रेवल करता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरह के मोशंस क्या होंगे, नॉन इनफॉर्म मोशंस होंगे। ओके, बात समझ आ रही है। इसके बाद आते हैं रेट ऑफ मोशन, एक पॉइंट है रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है, ओके, तो रेट ऑफ मोशन होता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम, इसको रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लिया उसका जो रेशियो निकालते हैं उसको रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। अगर आप बोले तो इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर स्पीड को डिफाइन करेंगे तो इसी तरह का होता है। तो स्पीड को डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही तो स्पीड होता है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर रेशियो निकाल लेंगे तो वो सामने आ जाएगी। क्लियर है, तो दोनों चीजों को समझ, रेट ऑफ मोशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ मोशन देखते हैं। तो रेट ऑफ मोशन के लिए हमने बोला था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टेकन टाइम। ओके, तो मान लेते हैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है डी और टाइम लेता है टी। ओके, टाइम कितना लेता है टी, इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो रेट ऑफ मोशन, यानी डी बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर स्पीड को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो स्पीड के बारे में हमने क्या बताया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम कैसे निकालते हैं, यानी कोई यूनिट टाइम ले लेंगे 1 मिनट 1 सेकेंड जो भी। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही तो स्पीड होता है। तो अगर डी बाई टी कर देते हैं, डी बाई टी करेंगे तो ये देखिए स्पीड को डिफाइन नहीं कर पाए,
जरा सोचिए, क्योंकि पर यूनिट टाइम जो है वही द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम, यही था ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सेकेंड में निकाल देंगे। मान लेते हैं टी सेकेंड में डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डी बाई टी, और इसी को तो बोलते हैं स्पीड। यानी टोटल मिला के अपन बोल सकते हैं कि रेशियो रेट ऑफ मोशन और स्पीड दोनों सेम चीज है, ठीक है। अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए स्पीड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहां से देख सकते हैं कि डिस्टेंस को का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर में उसको मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर में। और टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, क्लियर। बेसिकली स्पीड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, कैसे देखते हैं। जो पहला आता है, ठीक है, वो इनफॉर्म स्पीड, नॉन इनफॉर्म स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इनफॉर्म स्पीड समझते हैं पहले, वो भी सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो इनफॉर्म स्पीड होगा। नॉन इनफॉर्म स्पीड क्या होगा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो नॉन इनफॉर्म स्पीड होगा। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितना टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, उसका रेशियो जो निकालते हैं वो होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी द टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के बारे में अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, पार्टिकुलर डिस्टेंस को इंस्टेंट टाइम में अगर जो मेजर करेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इसका यूज बेसिकली स्पीडोमीटर में हम करते हैं, जो भी व्हीकल्स होता है उसके स्पीडोमीटर में इसका यूज करते हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं तो वो स्पीड आपको इंक्रीज दिखा देता है, ठीक है, और जैसे ही डिक्रीज एक्सेलरेटर कम करते हैं वो डिक्रीज आपको शो कर देता है। यानी वो एक बहुत क्विक टाइम्स में, इंस्टेंट टाइम में पार्टिकुलर डिस्टेंस को, पार्टिकुलर स्पीड को मेजर कर लेता है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में ही वो मेजर कर लेता है, सेकेंड्स की तो बात छोड़िए, तो माइक्रो सेकेंड्स में ही वो स्पीड को मेजर कर लेता है। तो इस तरह की स्पीड जो होगी, ठीक है, वो बेसिकली कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं मेनली न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए थ्योरी तो क्लियर है आपको, आई थिंक समझ आ रही होगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि बोल क्या रहे। न्यूमेरिकल का एक सिंपल सा तरीका, आपको पता है कि दिया क्या है और आपको पता है कि निकालना क्या है, अगर ये दोनों पता है तो आप न्यूमेरिकल कोई भी हो सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये पता करेंगे कि हमें दिया क्या है, और उसी को क्वेश्चन पढ़ के हम ये पता करेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो दो चीजें पता चल गया कि हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि एक बाइक राइडर है, ठीक है, वो बाइक ट्रिप पे जाता है, ठीक है, ट्रिप पे जाता है, तो जब वो अपने मीटर्स में देखता है, रीडिंग्स को देखता है, तो उस समय उसकी रीडिंग बता रही होती है 1600 किलोमीटर, लेकिन ट्रिप के बाद बताता है कि 2000 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना जो 400 किलोमीटर का ट्रेवल जो है 16 आवर में उसने कवर किया हुआ है, तो हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट यह है,
और ये बताना है कि वो एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में भी बताना है और किलोमीटर पर आवर में भी बताना है। क्लियर है? तो दो चीजें बतानी है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो, पहले ये निकाल देते हैं कितना है, 400 किलोमीटर। क्लियर? टाइम कितना लेता है वो, अगर टाइम की बात करते हैं तो 16 आवर का समय लिया। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 400, टोटल टाइम है 30। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आया 25 किलोमीटर पर आवर, यही आया। ये तो किलोमीटर पर आवर आ गया, मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है इसको। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, दो चीजें यहां समझ लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो 25 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। 25 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 25 किलोमीटर इक्वल टू 25000 मीटर। उसके बाद है पर आवर, अब पर सेकेंड में चेंज करना है तो आवर को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, तो 125/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसको आप पॉइंट में करेंगे तो 6.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स भी उससे निकाल लेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करना हो तो हमें ज्यादा मेहनत न करना पड़े। चलिए, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, आवर यानी कि 3600 सेकेंड। ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1000 मीटर 3600 सेकेंड बाय 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 1 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड में 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1000 बाय 3600 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फाइव बाई 18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको उल्टा करना हो, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 किलोमीटर पर आवर बाय 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इधर जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो किलोमीटर को पर आवर में चेंज, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको याद रख लेना है कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट है जो 14 मीटर 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दोनों का एवरेज स्पीड हमें बताना है। ठीक है, समझ में आई बात है? चलिए देखते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है,
तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? अगर टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? 14 + 16 = 13 मीटर। और टोटल टाइम क्या आएगा? 4 × 2 = 6 सेकेंड। अगर एवरेज स्पीड की हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकिंग। ओके, 13/6 = 5 मीटर/सेकेंड। क्लियर है? क्या है? 5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, चलिए। स्पीड विथ डायरेक्शन यानी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो अगर स्पीड में डायरेक्शन दे देंगे वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर स्पीड की हम बात कर रहे थे तो बोले थे कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इक्वल टू स्पीड। तो उसी तरह अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। तो यही डिफरेंसेस है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, आपको पता ही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी को कैसे, इसका क्या फॉर्म बनेगा, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम था तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये भी वही होगा जो पहले था। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, मीटर में एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम का सेकेंड, तो इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बेसिकली ये भी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनफॉर्म वेलोसिटी, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड लास्ट वन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इनफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जैसे इनफॉर्म स्पीड था वैसे इनफॉर्म वेलोसिटी है। तो इनफॉर्म स्पीड जो था वो क्या था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। लेकिन इनफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना, ठीक है, और सिंपल सी बात है। और नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? अगर बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, ठीक है, यही इनिशियल सॉरी एवरेज वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर यहां पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे तो एवरेज स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा, यही होगा ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बस वही डिस्टेंस होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यही एक कारण है जिसके बाद क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। जो स्टार्ट है और जो फाइनल है दोनों के बीच का हो गया, एवरेज निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये तो जब हम वेलोसिटी की बात करें, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन हो। अब लास्ट वन आते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी जस्ट उसी तरह है कि इंस्टेंट टाइम में कोई पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, लेकिन इंस्टेंट टाइम में, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है।
चलिए आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चंस में जो राजीव है वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली जाता है। ठीक है, जब वो ट्रिप स्टार्ट करता है तो उसके मीटर में 4200 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन जब ट्रिप को अंत करता है, इंड करता है, तो 4460 किलोमीटर दिखाता है। ठीक है, टोटल ट्रेवल जितना कर दिया। तो हमें पूछ रहा है इस ट्रेवल को करने में उसको 4 hours 20 minutes का समय लगता है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो न्यूमेरिकल के लिए हम पहले एक पॉइंट्स आपको बताए हैं कि पहले क्वेश्चन को समझिए बोल क्या रहे। ठीक है, उसके बाद आपको ये जानना है कि फाइंड क्या करना है। तो यहाँ बोल रहा है तो ये तो पता चल गया कि दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो माइनस करके हम निकाल देंगे। टाइम हमें दिया हुआ है और हमें स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए आते, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पहले ये देखते हैं। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस 4460 - 40 = 260 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम कितना लगा, 4 hours 20 minutes ये समय लगा है उसको। ठीक है, हमें सबसे पहला क्वेश्चन हो रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अगर बात करते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम बाय सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 260। अगर टाइम की बात करें तो इसको टोटल अगर आवर में चेंज कर लेते हैं, 4 hours 20 minutes को भी आवर में चेंज कर लेंगे, है ना, 4 whole 1/3 hour क्या हुआ, 4 whole 1/3 hour means that इसको यहां फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सिक्सटी किलोमीटर पर आवर। इसका जो एवरेज स्पीड आया वो आया 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या आया, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं यहां पे, अगर डिस्प्लेसमेंट की पहले बात करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि दिल्ली से शुरू किया था, दिल्ली खत्म किया, जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पे इंड किया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। टाइम कुछ भी लगता हो, जीरो बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगा उसका, एवरेज वेलोसिटी जीरो। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आते हैं उसका जो रेट होता है वही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस का जो रेट होता है, परिवर्तन की जो दर होती है वही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, समझते हैं कि परिवर्तन होता कैसे। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस कैसे आते हैं, तो मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। क्लियर, तो जो शुरुआत में वेलोसिटी थे और जो बाद में वेलोसिटी है फाइनल, वो डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो कोई तो परिवर्तन ही नहीं आता ना, तो पहले यू है फिर भी है, तो
तो चेंजेस क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चेंजेस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंजेस है। पहले यू था फिर वी हो गया, तो वी माइनस यू यही चेंजेस है। मान लीजिए पहले पांच था फिर दस हो गया, तो टेन माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव टू टेन, फाइव का चेंजेस आया कि नहीं आया। उसी तरह पहले यू था फिर वी हो गया, यानी वी माइनस यू, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। हमें रेट निकालना है, जो परिवर्तन की दर है यानी चेंजेस की जो रेट है वो निकालना है। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं? ये वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लेते हैं इसको चेंजेस होने में 30 सेकेंड का समय लगा हो, ठीक है। तो 30 सेकेंड में भी से यू से भी हुआ, यू से भी होने में कितना समय लगा? 30 सेकेंड। तो रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कितना चेंजेस आ रहा है, यही तो रेट है, ठीक है। तो 30 सेकेंड में भी माइनस यू चेंजेस हुआ, तो एक सेकेंड में कितना चेंज होगा? तो यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक सेकेंड में कितना चेंजेस होगा? भी माइनस यू बाई टी, यही तो चेंजेस होगा। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता क्या है? अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यही तो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, ठीक है, वी माइनस यू बाई टी, यानी ए इक्वल टू हमारे पास आ गया। एक्सेलरेशन को अगर ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, क्लियर। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यहां से एक फॉर्मूला आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? वी माइनस यू बाई टी। तो भी यहां पे क्या है? ऑलरेडी पता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन भी बेसिकली दो टाइप से होते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर भी तो इनफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो इनफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी उसी तरह से है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज होने की जो रेट है वो भी इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो इनफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, ठीक है, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो अनइक्वल है। तो सबसे पहले इनफॉर्म एक्सेलरेशन समझते हैं कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, एनीबॉडी फॉलिंग, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है, जो उसके रेट ऑफ चेंजेस है ऑफ वेलोसिटी वो इक्वल है, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है ग्रेविटी के कारण, वो भी फिक्स्ड है। दूसरा एग्जांपल बोर्ड पे देखते हैं कि कोई भी कार है, मान लेते हैं कोई भी कार की बात करते हैं, तो पहले सेकेंड में वो मान लेते हैं 5 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड में 7 मीटर ट्रेवल किया, तीसरे सेकेंड में 9 मीटर ट्रेवल किया, चौथे सेकेंड में 11 मीटर ट्रेवल किया। तो पहले सेकेंड का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 7 मीटर पर सेकेंड है, थर्ड सेकेंड का 9 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्थ सेकेंड का 11 मीटर पर सेकेंड है। जो वेलोसिटी में इंक्रीजेस हो रहा है वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है और इक्वल, तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, वो इनफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं कि वही कार है जो क्राउड एरिया में जा रहा है, जिसकी स्पीड कभी वेलोसिटी ज्यादा भी हो जा रही है, कभी कम भी हो जा रही है, तो उस तरह का एक्सेलरेशन, उसके कारण होने वाला एक्सेलरेशन जो है, ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। देने वाली बात ये है कि अगर कोई भी एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन उसी तरह अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन निगेटिव में चला जाता है, तो उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। इसी तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार है, ठीक है, जो 20 सेकेंड में 0 से 5 मीटर पर सेकेंड तक जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर देता है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगला 6 सेकेंड में वो 3 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है, तो दोनों कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? समझ में आ रही बात है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसमें ये है कि कार जो है रेस्ट में है, जब कार रेस्ट में है यानी वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी क्या है? 0 है। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और 0 से 5 मीटर पर सेकेंड आने में समय कितना लिया है? वो 20 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वी माइनस यू बाई टी यही होता है, तो वी यानी कि 5, यू यानी 0 बाई 20 यानी 5/20 यानी 1/4, ठीक है, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। दूसरा है कि जब हमारा कार जो है 5 मीटर पर सेकेंड पे था तो ब्रेक लगा दिया, यानी जब वो ब्रेक लगाया उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड, तभी ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। और 5 से 3 आने में कितना समय लिया? 6 सेकेंड का। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, वी माइनस यू बाई टी, वी क्या है? 3 है, यू क्या है? 5 है बाई 6, तो माइनस 2/6 माइनस 1/3 यानी माइनस 0.33, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास निगेटिव में आया क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की अगर यहाँ बात आई है तो वो भी समझ लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो वी माइनस यू बाई टी होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो वी क्या है? वेलोसिटी है, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, यू भी वेलोसिटी है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर जो आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया, नीचे क्या है? टाइम है, यानी इसका एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड और एस का स्क्वायर हो गया, यानी सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। होमवर्क जरूर कीजिएगा, लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे होमवर्क आएगा, उसको कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और जो भी समझना है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कॉमेंट में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। तब तक के लिए बाय।